इस खातून है और मैं श्रीनगर बेस्ड सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। मैंने बहुत जगह परफॉर्म किया है और बस म्यूज़िक के साथ। एक्चुअली आई यूज्ड लाइक आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई वाज अराउंड 4 or 5 इयर्स ओल्ड फ्रॉम स्कूल असेंबलीज। वहाँ से मेरा शौक एक्चुअली स्टेज करने का था, तो स्टेज पर डिबेट या जो भी होता था आई ऑलवेज यूज्ड टू डू दैट एंड दैट्स हाउ सिंगिंग केम टू द फोर फ्रंट एज वेल। ज़्यादा, क्योंकि कभी हमारा कोई गोल होता है तो हम उसके लिए काम करते हैं, फिर जब वो आपकी आपकी किस्मत में आ जाता है यू आर वेरी हैप्पी। बट दिस टाइम मेरा कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट दैट कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और काम रुक गया तो घर पे थे, तो आई वाज लाइक अपलोड करते हैं कुछ एंड आई स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोज, पीपल स्टार्टेड लाइकिंग देम और फिर मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था और एकदम से ऐसे ऐसे हो गया वो, ये तो बहुत ओवरवेलमिंग। सबसे बड़ा कंपटीशन इंसान खुद होता है अपना, लाइक अगर मैं अपना 2 साल पहले का देखती हूँ, अगर मैं खुद को अभी वहाँ उससे बेटर पा रही हूँ या जो इस फन में माहिर है, अगर वो लोग मुझे बोलते कि नहीं तुम्हें बहुत बदलाव आया, आई थिंक दैट्स द बिग थिंग। और सबसे बड़ा कंपटीशन इंसान का अगर खुद के साथ हो तो वो बहुत बेहतर चीज़ रहती है। शौक तो है बिल्कुल, मतलब शौक तो है पहले से, बट उसके साथ साथ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग माय ओरिजिनल म्यूज़िक, तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल मेरा फोकस उसी पे, बाकी जो होना होगा वो हो जाएगा जैसे ये सब हो गया। I've been going out. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. इंस्पायर तो मैं खुद से हूँ, सिंगर से तो मैं इंस्पायर वैसे नहीं हूँ कि किसी को देख के सिंगिंग स्टार्ट किया, लेकिन म्यूजिकली अगर बोलेंगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस और बहुत सारे इंस्पिरेशन है, लेकिन इट्स नॉट दैट आई लुक्ड एट समवन एंड आई वाज लाइक आई वांट टू सिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू सिंग। आई थिंक ये बहुत रॉन्ग नोशन है, गलत तरीके से नहीं लिया जा सकता, नहीं लिया जाता है, बिकॉज इफ यू स्टार्ट फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम्स लाइक फ्रॉम द टाइम ऑफ राज बेगम, ग्लाम हसन सोफी साहब, उस टाइम पे तो इतना अभी तक उनको बहुत सारा आता है, लाइक मैंने घर पे बस बचपन से उनको बहुत सुना है बिकॉज मेरे घर वाले सुनते थे। सो आई थिंक इट्स नॉट दैट, ये वो गलत हमारे में हम बोलते हैं कि घर पे सपोर्ट नहीं हुई है, आई थिंक इट्स जस्ट दैट जो भी क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है मतलब उसका बहुत कम स्कोप कश्मीर में है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर ये सब हमने याद रखा है, उस वजह से पेरेंट्स बहुत वरी करते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर यू नो सिक्योर होना चाहिए, फिर हमें लगता है रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन उनका भी एक जेन्युइन कंसर्न होता है क्योंकि यहाँ पे है नहीं प्लेटफॉर्म्स, तो इट्स नॉट दैट इसको नेगेटिव तरीके से लिया जाता है। अभी ना जाओ छोड़ कर, किरदार अभी भरा
side.